हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं हाउ टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू। सो गाइस, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बोला था, टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू प्लेलिस्ट आ चुकी है एंड ये टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने अपकमिंग इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो, चाहे वो आप निंजा रोल के लिए जा रहे हो, चाहे डिजिटल रोल के लिए जा रहे हो, चाहे प्राइम रोल के लिए जा रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काफी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि भैया कितने राउंड्स होगी, क्या टेक्निकल सेपरेट होगा, क्या एचआर सेपरेट होगा। सो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें बताने वाला हूँ, क्या प्रोफाइल आने वाली है, क्या प्रोसेस होने वाला है एंड कैसे अपना टेक्निकल राउंड, कैसे टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे एचआर के क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। चाहे आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट ने असेसमेंट दे दिया है, वेट कर रहे हो आप लोग अपने रिजल्ट का, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज इसको ध्यान से देख लेना, कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट रोड मैप इसको मान सकते हो आप। बस एक एक चीज आपको ध्यान से देखनी है इस वीडियो की, एक एक मिनट अगर मैं बोल रहा हूँ तो एक एक मिनट इसकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अब तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो अभी के अभी प्रायोरिटी बेसिस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये कंप्लीट टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू प्लेलिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, ये कंप्लीट टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू प्लेलिस्ट आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अभी आप लोग के काफी वन शॉट आने वाले हैं, चाहे वो आपके ऊप्स हो, एसक्यूएल हो, बहुत सारा भी मटेरियल आने वाला है। अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अब हम बात करने वाले सबसे पहले प्रोफाइल के बारे में कि भैया जो टीसीएस है वो कौन कौन सी प्रोफाइल ऑफर करती है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, सबसे पहले आपकी निंजा प्रोफाइल, सेकेंड आपकी डिजिटल प्रोफाइल एंड थर्ड आपकी है प्राइम प्रोफाइल। निंजा प्रोफाइल पे टीसीएस ऑफर करती है 3.5 LPA एंड डिजिटल पे 7 LPA एंड फॉर प्राइम 9 LPA और 9.5 LPA आई थिंक, ठीक है। अब ये तीन प्रोफाइल है, एक आपकी निंजा, एक आपकी डिजिटल, एक आपकी प्राइम। अब जब आपके रिजल्ट आएंगे एंड रिजल्ट की कब तक प्रोबेबिलिटी है भैया, सो रिजल्ट में बता देता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मई मंथ के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। इस बार रिजल्ट थोड़े से डिले हो रहे हैं, अगर मैं और ईयर की कंपैरिजन करूं, आपके 2024 बैच की कंपैरिजन करूं, 2023 बैच की कंपैरिजन करूं, 2024 बैच के अंदर काफ़ी स्टूडेंट की प्लेसमेंट कराई है इस चैनल ने टीसीएस के अंदर फॉर मल्टीपल प्रोफाइल निंजा डिजिटल प्राइम, ठीक है। बस आपको एक एक चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत सारी चीज़ों को देख लेना, 100% सिक्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इजिली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। निंजा 3.5 LPA, डिजिटल 7 LPA, प्राइम 9 LPA। अब जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपके इंटरव्यूज होगी, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल ओपनली मेंशन होगी। रिजल्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मुझे निंजा प्रोफाइल मिली है, मुझे डिजिटल मिली है, मुझे प्राइम मिली है। मोस्ट प्रोबेबली देखो, अगर आपने एवरेज भी किया है, हर एक स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आएगी, अगर आपने एवरेज भी किया है तब भी आपको निंजा के लिए इजिली कॉल आ जाएगी। एंड अगर आपने थोड़ा सा अबव एवरेज किया सो यू कैन गो फॉर डिजिटल, एंड अगर आपने अच्छा किया तो प्राइम आपके लिए कॉल आएगी। एंड ये मत सोचना कि अगर आप प्राइम के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेट्स सो अगर आपको प्राइम इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो आपको प्राइम ही मिलने वाला है, नो। यहाँ पे टीसीएस डिग्रेड भी करती है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे। अभी आपका लास्ट स्टेप क्या है, इंटरव्यू। जैसी आपकी प्रिपरेशन होगी, जितनी अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से रिसोर्सेस फॉलो करोगे, 100% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप क्रैक कर लोगे। अब यहाँ पे आपको अगर प्राइम प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो ये मत सोचना कि प्राइम ही मुझे ऑफर होगा, आपको निंजा भी मिल सकता है, आपको डिजिटल भी मिल सकता है एंड आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। रिजेक्शन किनको मिलेगा, जिसके प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, जो अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ेगा। एंड अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको प्राइम ही मिलेगा, एंड अगर आपका अच्छा नहीं जाता है, एवरेज जाता है तो डिजिटल, एंड उससे थोड़ा सा बिलो एवरेज जाता है तो आपको निंजा प्रोफाइल, निंजा और डिजिटल में से वे कुछ भी आपको ऑफर कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। सेम ऐसे अगर आप डिजिटल के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर ये मत सोचना कि डिजिटल ही मिलेगा। 2024 बैच की अगर मैं बात करूं, काफी स्टूडेंट को डिजिटल प्रोफाइल से निंजा प्रोफाइल ऑफर हुई है। तो प्रोफाइल्स तो आपको एक बार समझ में आ चुकी एंड डिग्रेडेशन भी समझ में आ चुका कि भाई टीसीएस डिग्रेडेशन भी करता है, फर्क नहीं पड़ता आपने असेसमेंट कितना अच्छा किया है, फर्क पड़ता है लास्ट जो आपकी प्रोफाइल मैटर करेगी कि आपको निंजा मिलेगी, डिजिटल मिलेगी, प्राइम मिलेगी, वो आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। दिस इज योर लास्ट स्टेप। अब हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरव्यू राउंड की। सो ये प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कंप्लीट एक पैनल बैठने वाला है,
एक इंटरव्यू होगा, एक इंटरव्यू के अंदर ध्यान से सुनना, अप्रोक्स आप मान के चल सकते हो कि 30-50 मिनट का ये आपका राउंड होने वाला है कंप्लीट। एक ही इंटरव्यू होगा, एक पैनल बैठेगा जिसके अंदर एक आपका टेक्निकल बंदा होगा जो आपसे टेक्निकल चीजें पूछेगा, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यूअर हो गया, एक आपका हो गया चार इंटरव्यूअर, एंड एक हो गया आपका टीम लीड, एंड बहुत सारे वहां पे पैनल आपके डिवाइड रहेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा सा लक भी चलता है, पैनल टू पैनल चीजें डिपेंड करेगी कि अगर आपके पैनल में अच्छे इंटरव्यूअर्स मिल गए, सपोज आपके टेक्निकल इंटरव्यूअर अच्छा मिल गया, चार राउंड जो चार इंटरव्यूअर वो अच्छा मिल गया, टीम लीड अच्छा मिल गया, सो पैनल डिसाइड करती है कि इस स्टूडेंट का, ये जो स्टूडेंट आ रहा है, इस स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है या रिजेक्शन होना है। ये कौन डिसाइड करेगी? ये डिसाइड करेगी पैनल। अब ऐसे वहां पे अलग अलग पैनल होगी, पैनल वन, पैनल टू, पैनल थ्री, ऐसे पैनल रहते हैं, एंड ऑफलाइन इंटरव्यूज होने वाले हैं। काफी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि भैया ऑनलाइन इंटरव्यू हो गए तो ऑफलाइन ही आपके असेसमेंट हुए, आप सेंटर पे जाके आपने असेसमेंट दिया, सेम ऐसे ही सेंटर पे जाके आप इंटरव्यूज दोगे। एंड पैनल आपके मैंने बता दिए, वहां पे तीन मेंबर आपको मिलेंगे, एक आपका टेक्निकल इंटरव्यूअर, एक आपका चार इंटरव्यूअर, एक आपका टीम लीड। तो एक इंटरव्यू के अंदर ही सारी चीजें रैप अप हो जाएगी। टेक्निकल इंटरव्यूअर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन, सबसे पहले आपके 20-25 मिनट टेक्निकल क्वेश्चन होने वाले हैं, वहां पे सारी चीजें आपसे पूछी जानी है, जो भी आपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन किया, अभी मैं बताने वाला हूँ ये भी चीजें कि टेक्निकल राउंड कैसे क्रैक करना है, कुछ एचआर क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ। बात करते हैं, जैसे आपका टेक्निकल राउंड हो जाएगा, उसके बाद एचआर क्वेश्चन वहां पे आपके 10 मिनट के कुछ एचआर क्वेश्चन होंगे, 4-5 वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम एचआर क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। टीम लीड बेसिकली वहां पे रहता है, आपके पैनल में रहेगा, वो ज्यादा आपका इफेक्ट नहीं करेगा चीजों को, ज्यादा चीजें टीम लीड नहीं पूछता है, ठीक है। बेसिकली जो चीजें पूछ जाएगी वो टेक्निकल एंड एचआर की पूछी जाएगी, टेक्निकल इंटरव्यू आपसे चीजें पूछेगा एंड एचआर इंटरव्यू आपसे चीजें पूछेगा। तो ये थे हमारा प्रोसेस इंटरव्यू राउंड्स। बात करते हैं कि भैया टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, एंड ये प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो, आज की वीडियो इस प्लेलिस्ट की, टीसीएस एनक्यूट इंटरव्यू प्लेलिस्ट, जो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, इसकी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। अभी यहाँ पे हमारे फर्दर ऊप्स वन शॉट, डीबीएमएस वन शॉट, एंड ये 1-1 आर के वन शॉट होने वाले हैं, कंप्लीट चीजें कवर कराऊंगा। एसक्यूएल वन शॉट, सीएन वन शॉट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम वन शॉट, रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एचआर के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो ये अप्रोक्स आपकी 10-15 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर रहने वाली है। एंड गाइस, लिटरली मैं ये चीज बोल रहा हूँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेते हो, आप खुद बता दोगे कि वो पेड कोर्स बेस्ट है या फिर आपके भैया की प्लेलिस्ट, आपको खुद पता चल जाएगा, ऐसा टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको मिलने वाला है। ये सारे 1-1 आर के वन शॉट बनाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, बस आपको स्टार्टिंग से लेके जैसे मैं जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत के तुरंत वीडियो देखनी है, इतना काम आपको करना है। चीजें ध्यान से फॉलो करोगे 100% सिलेक्शन लोगे। बात करते हैं टेक्निकल के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जानी है। सबसे पहला आपका रेज्यूमे, जो भी चीजें रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हो वो आपकी ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वॉट एवर यू मेंशन। अगर आप C++ मेंशन कर रहे हो, आप जावा मेंशन कर रहे हो, आप पाइथन मेंशन कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करो या 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करो, फर्क पड़ता है कि आपने जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स से सपोज आपने जावा मेंशन की तो इंटरव्यूअर जावा पे क्वेश्चन करेगा, C++ की तो C++ पे होगा। रेज्यूमे मैंने बता दिया कि रेज्यूमे के अंदर अच्छी तरीके से आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है, वहां पे मेंशन करनी है, प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ लेना, प्रोजेक्ट पहले से पेन पेपर पे नोट डाउन कर लेना कैसे आपको बताना है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें, ये आपको अप्रोक्स 3-4 मिनट के अंदर रैपअप करना है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो मैक्सिमम 3-4 मिनट के अंदर वहां पे रैपअप कर देना। बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स, ऊप्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना, पिलर है ऊप्स, ये मान लेना अगर आपको ऊप्स नहीं आता है तो किसी भी कहीं भी तरीके से आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका एसक्यूएल, एसक्यूएल के अंदर जॉइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है आपका ऊप्स, हो गया आपका एसक्यूएल हो गया, नेक्स्ट आपका डीबीएमएस, एंड डोंट वरी रिसोर्सेज की टेंशन मत लेना, ये प्लेलिस्ट आपको सारी चीजें कवर करा देगी, चाहे वो आपकी ऊप्स हो, चाहे एसक्यूएल हो, चाहे डीबीएमएस हो। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप मेंशन करते हो तो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन आपसे प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने प्रोजेक्ट टीम में बनाया है या फिर अलोन बनाया है, व्हाट चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। एचआर क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। बात करते हैं, देखो ये आपका टेक्निकल इंटरव्यू का मैंने बता दिया है, यही चीज़ आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है, प्रोजेक्ट, ऊप्स, एसक्यूएल, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं एचआर की,
ठीक है, एक एक करके जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में भी कि इस वीडियो की एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए अपने असेसमेंट के अंदर। सो मैं आपको एक एग्जैक्ट बता सकता हूँ चीजें कि आपको प्राइम मिलने वाला है, डिजिटल मिलने वाला है, निंजा मिलने वाला है। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स की कमेंट होगी उतनी ज्यादा मैं रिप्लाई कर पाऊंगा एंड जितनी पॉसिबल होगी उतनी मैं रिप्लाई आपकी करूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इस प्लेलिस्ट को कितनी जल्दी और वीडियोस अभी आप लोग के लिए लानी है वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, अभी बैक टू बैक वीडियोज आने वाली है, सो डोंट वरी। अब हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंटरव्यू, मैंने बता दिया है। रेज्यूमे जो रहेगा रेज्यूमे अच्छी तरीके से बना लेना, ठीक है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इसके अंदर जो मैंने आपकी आपको बताया टेक्निकल हमारा डन हो चुका है। बात करते हैं एचआर की। सो एचआर के मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एचआर के अंदर आपसे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इनमें से ये मान लेना 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। सो एचआर राउंड मतलब वहीं पर जैसे मैंने आपको बताया कि पैनल बैठेगा एंड जैसे आपका टेक्निकल हो जाएगा उसके बाद आपसे वहीं के वहीं एचआर के कुछ क्वेश्चन एचआर पूछ लेंगे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। What do your parents do in terms of work? आपके parents का क्या business है या job करते हैं, जो भी आपके parents काम करते हैं। Your strength and weakness, this is the most important question. Tell me about your real weakness. जब भी आप कभी भी कोई भी weakness अपनी बताते हो तो उस weakness के लिए आपने improvement area में क्या काम किया है, ये आपको जरूर बताना है कि अगर मेरी ये weakness है, अगर मुझे public speaking से fear होता है so मैं उसको improve कर रहा हूँ, क्या improvement किया है, वो आपको बताना है। Do you have any siblings? ये बताने हैं। How do you work in overload work situation? So यहाँ पे आप बता सकते हो कि सर मैं अपने टास्क को प्रायोरिटी बेसिस पे शेड्यूल कर लूंगा, जितना ज्यादा प्रायोरिटी का काम होगा वो सबसे पहले करूंगा, लेस प्रायोरिटी वर्क बाद में करूंगा। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, यहाँ पे यस। आर यू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट, यहाँ पे यस। सो ये कुछ एचआर क्वेश्चन है, ये आपको प्रिपेयर करके जाने हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन। सो ये कंप्लीट वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो को देख के, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैंने कवर कर दिया है एंड अभी बैक टू बैक और वीडियोस आने वाले हैं टीसीएस एप्टीट्यूड इंटरव्यू प्लेलिस्ट के अंदर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।